आज मैं आपको बताने जाने जा रहा हूँ कि अमेजन किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत बार अमेजन 15% कैशबैक देती है, 10% कैशबैक देती है डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ऊपर। जैसे कि अभी भी ऑफर चल रही है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से 10% कैशबैक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ऑन परचेज ऑफ प्रोडक्ट लिस्टेड इन अमेजन फैशन कैटेगरी फ्रॉम 25/2017 टू 26 फरवरी 2017। दोस्तों अगर इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड सब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 10% कैशबैक मिलेगा उसके वेबसाइट पे। दोस्तों मैंने भी ऐसी सेम गलती की थी। मैंने भी जब अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल ऑफर चल रही थी तब मैंने प्रोडक्ट खरीदी थी, 7000+ रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीदी थी मैंने। उसमें लिखा गया था कि 15% कैशबैक ऑन ऐप एंड 10% कैशबैक ऑन अब ऑन वेबसाइट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन की गई है 1 अक्टूबर 2 फिफ्थ में वो ऑफर चल रही थी। तो मैंने भी ऑर्डर किया था ताकि मैं सोचा कि मुझे भी कैशबैक मिलेगी। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ ऑर्डर का। दोस्तों देखिए ये मेरा ऑर्डर का प्रूफ है। मैंने 1 अक्टूबर को ऑर्डर प्लेस किया था, किंगस्टन फ्री मेमोरी 8GB रैम है कंप्यूटर का 3099 रुपीज़। और ये है R7 241GB DDR5 ग्राफिक्स कार्ड है 4890। तो टोटल मेरा प्राइस हुआ था 7387.54, उसमें भैट लगा 601.46, टोटल हुआ था 7989 और प्रमोशनल अप्लाइड हुआ था -421, तो टोटल प्राइस हुआ 7568। तो चलिए मैं आपको अपने बैंक का स्टेटस दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मेरा HDFC बैंक का स्टेटमेंट है जो कि मैंने 1 अक्टूबर को 2016 में खरीदी थी अमेजोन की। ये मेरा डेबिट कार्ड का नंबर है, 1st 6 डिजिट नंबर, लास्ट का 4 डिजिट नंबर, जैसे कि 7568 रुपीज़ के मैंने परचेज किए थे जो कि अभी तक कैशबैक मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 7568 रुपीज़ के मैं खरीदे थे प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, एक रैम और एक दूसरा ग्राफिक्स कार्ड जो कि 1st to 5th अक्टूबर के बीच में ग्रेट इंडियन सेल चल रही थी। दोस्तों मैंने इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च की तो मैंने देखे कि अमेजन मेरे साथ ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत लोगों के साथ ऐसे किया है। तो मैंने consumercomplaint.in इस वेबसाइट में मैंने देखा तो इस वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं भी कमेंट्स, इन्होंने भी HDFC कार्ड से परचेस किए थे। सोमी रेडमी नोट 3 डार्क कलर, तो इनको भी कैशबैक नहीं मिले। जो कि इनको भी 15% कैशबैक मिलने वाले थे। तो आप देख सकते हैं कि mouthshot.com में भी इन्होंने भी प्रोडक्ट परचेज किए थे तो इनको भी कैशबैक नहीं मिले। दोस्तों मैंने भी
अमेजन को कांटेक्ट किया काफ़ी बार, तो उन्होंने मुझे कैशबैक की वजह उन्होंने गिफ्ट कार्ड दिया मुझे सेम 15% का। तो मैंने उससे पहले मैंने HDFC बैंक को कांटेक्ट किया था कैशबैक के रिगार्डिंग, तो उन्होंने कहा कि हमें इस कैशबैक से कोई लेना देना नहीं है, जो कैशबैक प्रोवाइड करते वो amazon.in प्रोवाइड करती है। मैंने काफ़ी बार HDFC बैंक को इसके बारे में समझाया कि 15% कैशबैक ऑन ऐप एंड 10% कैशबैक ऑन वेबसाइट, तो उन्होंने कहा कि फिर से देखिए अगर आप प्रोडक्ट खरीदे हैं amazon.in से, हमसे नहीं खरीदे हैं प्रोडक्ट, हम के प्रोडक्ट बेचते भी नहीं हैं, तो इसीलिए हम इसमें हम आपको कोई मदद नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप डिस्काउंट या कैशबैक में अगर आपको कोई सा भी चुनने को कहे तो आप डिस्काउंट चुनिए, क्योंकि कैशबैक में 3 मंथ्स लग जाती है और ज़रूरी नहीं कि आपको कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कि मेरे साथ मुझे कोई कैशबैक नहीं मिले और बहुत लोगों के साथ भी कैशबैक नहीं मिला है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि अगले बार से कोई ऑफर आए कैशबैक का तो उसे नहीं खरीदें, आप डिस्काउंट वाला ऑप्शन ज़रूर चुनें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स।